हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है ना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। यानी आपको क्या करना है कि सॉल्यूशंस बताने हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड आपका नो सॉल्यूशन, तीनों कंडीशन आपको बतानी है। और जो यूनिक वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले हम मेथड समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आती तो वही इक्वेशन, जनरल इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, लेट a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है x और y के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो मेथड पहले समझ लें आप। मेथड x y और 1, हमने तीन ले लिया, x y वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए 1 सपोज कर लिया। अब यहां पे स्टार्ट हम कहां से करेंगे, x के पहले ये बना लें b1 b2 c1 c2 a1 a2 और अगेन b1 b2 b1 b2 से स्टार्ट हुआ, b1 b2 पे एंड हुआ। यानी b1 b2 इसके जस्ट मिडिल में हमें x रखना है ऊपर, c1 फिर ये c1 c2 a1 a2 इसके जस्ट मिडिल में y रखना आपको, y वाला वेरिएबल, ठीक, और इन दोनों लास्ट के मिडिल में कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है यहां पे। x यानी स्टार्ट करेंगे b1 b2 से, एंड भी b1 b2 पे होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फॉर x, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, b1 c2 मल्टीप्लाई, देन माइनस साइन हम पुट करते हैं बीच में, फिर ये बॉटम टू टॉप मल्टीप्लाई। तो हम जब x के लिए सॉल्व करेंगे इसे, व्हेन वी सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो b1 c2 - b2 c1 हो गया आपका, b1 c2 - b2 c1 ये x के लिए सॉल्व हो गया। सिमिलरली जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस पूरी सेम वही है, टॉप टू बॉटम, फिर ये पुट माइनस साइन और बॉटम टू टॉप, तो c1 a2 माइनस c2 a1, लास्ट कांस्टेंट टर्म 1 के लिए जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1 के लिए, तो a1 b2 माइनस साइन a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब हमें क्या करना रहता है, x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो हम 1 से x को कंपेयर करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करें तो y को इस कांस्टेंट वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो नाउ इसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है तो अब हमें कंपेयर करना रहेगा डायरेक्ट, तो x अपॉन b1 c2 - b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। अब x फाइंड करना है तो क्या होगा बताइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, ठीक। सिमिलरली y के लिए, तो y अपॉन c1 a2 - c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो y इज इक्वल टू c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, ठीक। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है x के लिए और सिमिलरली y के लिए। ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी है, bc bc ab ab ये 1 2 2 1 1 2 2 1 रिवर्स है, यानी 12 21, इधर भी 12 21। यानी आपको अगर डायरेक्ट याद रखना है तो बहुत इजी कंसेप्ट याद करने का इसका, हमने x लिख दिया इधर, मान लो bc माइनस bc और नीचे ab माइनस ab, bc इसके लिख रहे हैं क्योंकि जब x हम फाइंड करेंगे तो a नहीं रहेगा उसके साथ, न्यूमरेटर में a नहीं आएगा, ठीक है। y के लिए सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका b नहीं होगा, नीचे तो सेम है आपका ab ab। अब यहां पे हम पुट कर दें बस, ये जो लिखी क्या लिख रहे हैं अब यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 इधर भी 1 2 2 1 है ना,
12 21 12 21। सिमिलरली y के लिए जो सॉल्व करोगे तो y के लिए भी यही कंसेप्ट है, यानी x का ये फॉर्मूला था आपका, इसका y के लिए भी सेम। y के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सी ए माइनस सी ए, और नीचे तो सेम है ए बी माइनस ए बी। 1 2 1 2 लिख दीजिए, 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 2 2 1, वही 12 21 का कंसेप्ट। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ये x और ये y है। एक चीज और मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका दूसरा केस भी देख लेता हूं। अगर इक्वेशन मान लीजिए थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इक्वेशन में चेंज करता हूं उनका फुल्का तो चेंज कैसे, मतलब मान लीजिए ये c1 इक्वल टू के पहले था, तो अगर मैं c1 को इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, यानी इक्वल टू c1, और यहां पे कांस्टेंट टर्म भी इक्वल टू c2, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है यहां पे, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई, फिर वापस इसको इससे कंपेयर करना रहेगा, इसको इससे कंपेयर करना रहेगा। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ये भी केस एक बार मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, है ना, कि जब कांस्टेंट राइट साइड में है, ठीक है, तो हम इसको बस माइनस पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो समझते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आपको समझ में आया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। यानी आपको तीनों चेक करना है केस कि कौन सा यूनिक है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन सा इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है देन सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है, पहला दूसरा थर्ड फोर्थ और लिख दूंगा मैं। ठीक, तो मैं सॉल्व करता हूँ एक क्वेश्चन को, तो पूरी स्टेप में लिखते जाता हूं आपको ऐसे सॉल्व करना है कंप्लीट क्वेश्चन को। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला, एक्स माइनस 3y - 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं चेक करने वाली कंडीशन है ना। ऑन कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करें, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो मैंने क्या कंपेयर किया था, डायरेक्ट कोफिशिएंट कंपेयर करा था, है ना, कोफिशिएंट का रेशियो, तो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। ठीक, तो कंपेयर करने पे देयरफॉर a1 upon a2 क्या आ जाएगा हमारा 1 upon 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1/3। सिमिलरली b1 upon b2 का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा -3 upon -9 - 3 upon -9 - -3 और ये 3, तो ये भी क्या हो गया आपका 1/3। एंड c1 upon c2 क्या है आपका -3 upon -3 upon -2, that is 3/2। अब यहां पे देखो आप क्या क्या हो रहा है, here a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal c1 upon c2। ये दोनों इक्वल है, ये तीसरा केस इक्वल नहीं है, तो a1 upon a2 b1 upon b2 is not equal c1 upon c2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, therefore the system of equation, system of equation has, कौन सा सॉल्यूशन है आपका, ये नो सॉल्यूशन। अब यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि उसने बोला कि अगर यूनिक होगा तो ही सॉल्व करना है आपको। ठीक, इनफिनिट और आप नो सॉल्यूशन के लिए केवल आप कंडीशन चेक करके बताएंगे, क्योंकि पता है कि नो सॉल्यूशन हम सॉल्व नहीं कर पाते, और इनफिनिट सॉल्यूशन में भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन सॉल्यूशन है, तो उसे भी हम फाइंड नहीं करते हैं। ठीक, तो आपको केवल यहां तक ही क्वेश्चन एंड हो गया, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं इसका, सेकेंड में भी वही करना है, सबसे पहले हमें केसेस चेक कर रहे हैं। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका 2x
प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड। फिर भाई ऑन कंपेयरिंग विथ तो किसे कंपेयर करें भाई, मैं थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, आपको ध्यान देना। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जैसे ही जिस टाइप से इक्वेशन थी उस टाइप इक्वेशन हमने सपोज कर ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, therefore a1 upon a2 कितना 2 upon 3। सिमिलरली b1 upon b2 क्या हो जाएगा 1 upon 2, ये 1 है। तो तीसरा केस तो चेक करने की इच्छा है, करे ना करना है तो भी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, चेक करना है तो करिए, नहीं करना है तो भी चलेगा। c1 upon c2 कितना 5 upon 8, c1 upon c2 तो c1 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 8, ये हो गया 5 upon 8। अब यहां पे हम लिख सकते हैं हियर a1 upon a2 नॉट इक्वल b1 upon b2, ये 2/3 है और ये 1/2 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं therefore the system of equation has unique solution। अब इसका कौन सा सॉल्यूशन है आपका, यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। जब यूनिक होगा तो ही सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं सॉल्व करना है, ठीक। तो यूनिक के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो बताया था मैंने x अपॉन क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1, y c1 a2 माइनस c2 a1। और अब ध्यान रखना आपको यहां पे c1 c2 इक्वल टू के राइट साइड में है, तो क्या करेंगे हम, माइनस वन अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, बस यहाँ पे माइनस फूट करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर यही टर्म हम ये इसको इधर लेफ्ट साइड में लिखा रहता है तो यहाँ पे माइनस वन नहीं लगाते, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, a1 b1 a2 b2 सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये a1 है a2, ये b1 b2 और ये c1 c2, ठीक। या आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है इसलिए मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूं। तो x इज इक्वल टू x अपॉन b1 c2, तो ध्यान दीजिए भाई b1 का है आपका ये b1 और ये c2 8 है ना, तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई b1 c2 तो कितना हो जाएगा 1 × 8 माइनस b2 c1, b2 कितना आपका 2 और c1 कितना 5, ये हो जाएगा 2 × 8 = 5। सिमिलरली y c1 a2 तो c1 ये आपका c1 5 और a2 कितना 3, तो 5 × 3 माइनस c2 a1, c2 कितना आपका 8 और a1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 माइनस ये माइनस है a1 b2, तो a1 कितना 2 और b2 कितना 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 माइनस a2 b1 तो a2 3 और b1 कितना 1 3 × 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो x अपॉन 8 − 10, सिमिलरली y अपॉन 15 − 16 और लास्ट -1 अपॉन 4 − 3। नेक्स्ट स्टेप इसकी देखो, x अपॉन कितना -2, y अपॉन -1 और -1 अपॉन 1, 4 − 3 1। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है,
तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले ही बताया था क्या करेंगे, एक्स वाले को वन से कंपेयर करेंगे, देन वाई वाले को भी वन से कंपेयर करेंगे, यानी दोनों टर्म को हमें वन से क्या करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा। ठीक, तो कंपेयर कर लेते हैं। Therefore, x upon minus 2 equal to minus 1 upon 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2. सिमिलरली y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1. माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1. Hence, x is equal to 2 and y is equal to 1. ये आपका हो गया final answer. इसे note down कर लीजिए आप. समझिए आप question number first का third वाला और fourth वाला दोनों समझते हैं. ठीक, तो third question सुन जाए, समझते हैं पहले. Question number third. 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40. ये आपका equation first और ये second. Now on comparing with किससे compare करें, a1x b1y equal to c1 and a2x b2y equal to c2. तो compare करोगे तो ratio क्या आएगा, therefore a1 upon a2 3 upon 6. तो simplify होगा, solve होगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2. similarly b1 upon b2 का case देख लेते हैं, b1 upon b2 minus 5 upon minus 10 cancel कर दीजिए, 1 और a2 दोनों minus है तो minus minus भी cancel हो जाएगा, into 1/2. लास्ट वाला केस c1 अपॉन c2 20 अपॉन 40, तो ये भी कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 1 और ये 2 तो 1/2. ठीक, तो ये हमारे हो गए रेशो आ गए. तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हियर देख लीजिए, हियर क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये c1 अपॉन c2 के, तीनों आपस में इक्वल है, 1/2 1/2 1/2. ठीक, तो लास्ट लाइन क्या होगी, therefore the system of equation has infinitely many solution. ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि many solution के लिए नो सोल्यूशन के सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है केवल यूनिक सोल्यूशन के लिए. तो ये नोट डाउन कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम चेक कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं देखिए कैसे लिख देता हूं कंपेयर करने के लिए, x माइनस 3y, ये माइनस का तो इधर पहुंचा देता हूं, ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y इक्वल टू 15. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड. ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन वाइज सेम, a1x + b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2. तो रेशो क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद, चेक कर लेते हैं. therefore a1 upon a2 यहां पे बात है 1/3, b1 upon b2 ये -3 upon -3, ये कैंसिल करेंगे और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 और c1 upon c2 7/15. तो यहां पे दोनों स्टार्टिंग वाले केस ही आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हियर a1 upon a2 not equal b1 upon b2. therefore the system of equation has unique solution. अब ये क्या है, unique solution है. now solve by cross multiplication method. now by cross multiplication method, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से.
ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या करते हैं हम a1 b1 c1 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई कर दिया, तो मैं सिंपलीफाई वैल्यू नहीं, हमें माइनस थ्री और माइनस थ्री लेना पड़ेगा, वन वन नहीं लेना है यहाँ, ध्यान रखिएगा, है ना। तो a1 कितना है वन, a2 थ्री, b1 आपका माइनस थ्री, b2 भी माइनस थ्री, और c1 आपका है सेवन, और c2 कितना फिफ्टीन। अब मेथड क्या होता है, x अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बारे में किसका कंसेप्ट चल रहा है, y अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और यहाँ पे बताया था क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड में, ध्यान दीजिएगा ये, तो क्या लग जाएगा माइनस वन, अगर इधर ही हम रख के करेंगे सॉल्व तो क्या होगा प्लस, ये प्लस होगा या इधर माइनस है बस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x अपॉन p1 c2, इनका मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री इंटू फिफ्टीन, ध्यान दीजिए माइनस थ्री इंटू फिफ्टीन, तो कितना माइनस फोर्टी फाइव, माइनस b2 c1 तो माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी, माइनस थ्री इंटू सेवन, तो कितना, ये माइनस का फॉर्मूला लगता है, और ये फिर दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे माइनस ट्वेंटी वन, ये माइनस फॉर्मूले का है, माइनस थ्री इंटू फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस साइन, फिर माइनस थ्री इंटू सेवन, यानी कितना माइनस का ट्वेंटी वन। वाई के लिए सॉल्व करें, सी वन ए टू, तो सी वन ए टू तो कितना हो जाएगा सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, सी टू ए वन तो फिफ्टीन इंटू वन तो फिफ्टीन। माइनस वन के लिए सॉल्व करें, ए वन बी टू, ए वन बी टू तो कितना माइनस थ्री, ए टू बी वन तो फिर ये माइनस और माइनस नाइन, थ्री थ्री जा नाइन। अब इसे एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, x अपॉन माइनस फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी वन, y ये तो सही है ट्वेंटी वन अपॉन फिफ्टीन, और ये माइनस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस नाइन। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं यहां, x अपॉन कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, फाइव वन तो कितना हो जाएगा फोर, टू टू तो कितना हो जाएगा टू, ये माइनस का ट्वेंटी फोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय, कितना हो जाएगा आपका सिक्स, और इधर कितना हो जाएगा ये माइनस का वन अपॉन में सिक्स। ठीक, अब लास्ट स्टेप, इसके लास्ट स्टेप, यहां तक हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, अब x वाले टर्म को वन से कंपेयर करना है, x वाले टर्म को वन से कंपेयर करना है, और y वाले टर्म को भी वन से कंपेयर करना है, तो नाउ x अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स, है ना, माइनस वन अपॉन सिक्स, तो ये माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स, तो 6 से 24 को डिवाइड कर दो और आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली y के लिए हम कंपेयर कर देते हैं, तो y को कंपेयर करोगे तो आप देखो क्या होगा, तो y के लिए कंपेयर किया हमने, तो y अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, तो ये सिक्स से सिक्स यहीं पे लिख रहा है कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस वन, तो लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका मेथड था, आगे जितनी भी क्वेश्चन होंगे, अब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, तो फोर फाइव क्वेश्चन